आज तक जो हमने लेटर सीखे हैं, आज उसका हम रिवीजन करेंगे। पेरेंट्स, आपके बच्चों को ये 4 लाइन वाली बुक दीजिए, उसमें हम रिवीजन ऑफ एल टी एच ई करेंगे। ये क्लास वर्क है और यहाँ पे बच्चों को डेट लिखना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एल। कैसे करेंगे एल? रेड लाइन से ब्लू वाली लाइन तक, सेकंड ब्लू वाली लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर सेकंड ब्लू लाइन पे छोटा स्लीपिंग लाइन, ये बन गया एल। एल फॉर लायन, ल ल लायन। वापस करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एल फॉर लैम, ल ल लैम। लिख रहे हो ना बच्चों? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एल फॉर लीव, ल ल लीव। एल फॉर लायन, ल ल लायन। एल फॉर लैम, एल फॉर लीव। अभी इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट लेटर है टी। कैसे लिखेंगे टी? रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और रेड वाली लाइन पे स्लीपिंग लाइन। अब ये बन गया टी। टी फॉर ट्री, ट ट ट्री। वापस ऐसे ही लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। टी, टी फॉर टैडी, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। टी, टी फॉर टोमेटो, रेड वाली लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, रेड वाली लाइन पे स्लीपिंग लाइन। टी फॉर टॉय, वापस लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। टी फॉर ट्री, ट ट ट्री, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ट ट टोमेटो, वापस बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये बन गया टी। टी फॉर ट्री, ट ट ट्री। अब ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेटर है एच। कैसे लिखेंगे एच? रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक दूसरी स्टैंडिंग लाइन और दोनों स्टैंडिंग लाइन को बीच में फर्स्ट वाली ब्लू लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनाना है और जॉइंट करना है ऐसे। ये बन गया एच। एच फॉर हाउस, ह ह हाउस। वापस लिखेंगे रेड वाली लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, रेड वाली ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक वापस स्टैंडिंग लाइन और दोनों स्टैंडिंग लाइन को बीच में से जॉइंट करेंगे। ये बन गया एच। एच फॉर हॉर्स, ह ह हॉर्स। फिर से लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बीच में स्लीपिंग लाइन। एच फॉर हाउस, ह ह हाउस। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये बन गया एच। एच फॉर हैंड, ह ह हैंड। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एच, एच फॉर हैंड,
ह ह हैंड। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एच फोर हॉर्स, ह ह हॉर्स। वापस रिपीट करेंगे, रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन। अभी दोनों स्टैंडिंग लाइन को जॉइंट करेंगे बीच में, फर्स्ट वाली ब्लू लाइन पे स्लीपिंग लाइन, ये बन गया एच। एच फोर हॉर्स, ह ह हॉर्स। अभी बच्चों ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेटर है ई, ई फोर एग। कैसे लिखेंगे, रेड वाली लाइन से ब्लू लाइन, सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, और रेड वाली लाइन पे स्लीपिंग लाइन, और सेकंड वाली ब्लू लाइन पे स्लीपिंग लाइन, और बीच वाली फर्स्ट ब्लू लाइन पे स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ई, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। फिर से बनाएंगे, रेड वाली लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, रेड लाइन पे स्लीपिंग लाइन, और सेकंड ब्लू लाइन पे स्लीपिंग लाइन, और बीच में स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ई, ई फॉर एल्बो, ए एल्बो। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ई फॉर ईयर, ई ईयर। वापस लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ई फॉर आईज, आ आईज। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। वापस लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ई फॉर आईज, आईज। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और बीच में स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया, ई, ई फॉर एल्बो, ए ए एल्बो। अभी ये लाइन आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज हमने कौन से लेटर सीखे, एल टी एच ई। दिस इज योर होमवर्क, कौन से लेटर, एल टी एच ई। ये लाइन्स आपको कंप्लीट करनी है टू टाइम्स। ओके बच्चों, बाय बाय।